बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। वेलकम हो गया आपका मानो किचन में। मानो किचन में आज बनने जा रही है शादियों वाले आलू बुखारे की चटनी। अब हम अपने घर में भी बना सकते हैं। तो ये मैंने ले लिए हैं 1 पाव आलू बुखारे। ये बहुत ही आसान और बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स में बनने वाली है। ये मैंने आलू बुखारे लिए हैं और इसको मैंने नीम गर्म पानी में भिगो दिया है ताकि इसके ऊपर जितनी भी मिट्टी वगैरह होती है, क्योंकि यही प्रोसेस सबसे बड़ा होता है कि अगर इसमें मिट्टी हमारे मुँह में आएगी तो वो किरकिर की बहुत ज़्यादा ख़राब कर देगी। इस वजह से इसको पहले आप नीम गर्म पानी में भिगो दें आधे घंटे के लिए। मैंने ये आलू भिगो दिए थे आधे घंटे के लिए। अब मैं इसके प्रोसेस की तरफ चलती हूँ। आलू बुखारे की चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है पानी 400 ml। पानी के अंदर ही अब हम अपने आलू बुखारे ऐड कर देंगे, साथ साथ ही आलू बुखारे और पानी पकेगा। अब इसको हमने इस हद तक पकाना है कि हमारे आलू बुखारे सॉफ्ट हो जाए। इसमें ऐड करेंगे हम ये 1 pinch कलर, फूड कलर। अगर आप ऐड करना चाहें तो कर दें, नहीं तो वैसे भी इसमें अच्छा लाइट ब्राउन कलर आ ही जाता है। और साथ ही हम ऐड करेंगे इसमें 1 cup चीनी। और इन सब चीजों को हम पका लेंगे। मीडियम फ्लेम पे काम करना है हमने, फ्लेम को हाई नहीं करना ना बहुत लो करना है। इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक मैंने लिया है 1/2 teaspoon। और ऐड करेंगे ये पिसी हुई मिर्ची। पिसी हुई मिर्ची भी मैंने ली है 1/2 teaspoon। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आलू बुखारे हमारे अच्छे से फूल रहे हैं, ये देखिए अच्छे खासे फूलना शुरू हो गए हैं। हमने अच्छी तरह इसको बस पकाना है। इस स्टेज पे हमें ऐड करना है ये अपना कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर मैंने लिया है 1 tablespoon। और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स करके इसमें ऐड करूंगी। कॉर्नफ्लोर को ऐड करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने इसमें चीनी डाली है 1 cup। अगर हम कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं करेंगे तो हमें चीनी 2 cup डालना पड़ेगी ताकि इससे इसका अच्छा सा लिक्विड जो है वो गाढ़ा बने। तो हम चीनी को कम इस्तेमाल करेंगे और इसमें कॉर्नफ्लोर को ऐड करके। और ये होता है सीक्रेट शादियों वाली चटनी का। चले ऐड करते हैं इसमें। हमने थोड़ा थोड़ा सा डाल के इसको मिक्स करते रहना है ताकि इसमें लम्स ना बन जाए। और देखेंगे हमारी बहुत अच्छी सी आलू बुखारे की चटनी बिल्कुल रेडी होने पे आ गई है। हमें इसे उस वक्त तक पकाना है जब ये तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। इसमें ऐड करेंगे हम ये 4 मगज। इससे इसके बहुत अच्छे खूबसूरती में इजाफा होगा। ये ऐड करेंगे हम इसमें बादाम। बादाम को मैंने छील के और बीच में सिर्फ 2 pieces कर लिए थे। ये देखें बहुत ही अच्छी सी मेरे आलू बुखारे बहुत अच्छे गल गए हैं बिल्कुल। बहुत अच्छी हमारी चटनी रेडी हो गई है। ये हो गई है हमारी मज़ेदार सी आलू बुखारे की चटनी जो शादियों में बनती है। और देखें इसकी थिकनेस भी कितनी अच्छी, और ये आलू बुखारा देखें कितना अच्छा फूल गया है, बहुत ही अच्छा और लजीज। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें बादाम और 4 मगज 1 4 चांद लगा देते हैं, सोने पे सुहागा जिसे कहते हैं। सो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार और यूनिक रेसिपी है, इजी है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाली। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।